तो तुम्हारा काम है कंप्लेंट डालना, कंप्लेंट डालो, उसके बाद काम करना है, नहीं करना है, कब करना है, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो। डोंट क्रॉस क्वेश्चन अस, मतलब हमसे दोबारा कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो ये अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हाल है, गवर्नमेंट के ऑफिसज़ का ये हाल है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस रहा एक गवर्नमेंट बैंक के साथ। वहाँ पे मुझे अपनी माता जी का अकाउंट खुलवाना था। वहाँ पे मैंने एक अकाउंट ओपनिंग में, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 8 दिन तक वहाँ चक्कर लगाने पड़े, जबकि अकाउंट ओपनिंग जनरली 2 या 3 दिन मैक्सिमम उतने में खुल जाता है। तो मुझे अपनी जो हमारी माता जी हैं, काफ़ी वृद्ध हैं, उनको लेके 8 दिन का 8 में से कम 5 दिन मुझे उनको लेके अपने साथ जाना पड़ा। और वो इशू क्या था, वो छोटा सा इशू था, जो वो उनके ऑफिस में जो जो प्रिंट करते हैं, पासबुक प्रिंटिंग जो होती है, वहाँ पे एक प्रिंटर होता है, जो कि पिछले 2 महीने से मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था। उस टाइम पे मैं उन अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं जा रहा था, बट जनरली मुझे वो सुनने में आता था कि प्रिंटर ख़राब है जी, प्रिंटर ख़राब है, बहुत लाइन लगी रहती थी। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करता हूँ इसके बारे में। मुझे पहले दिन 2 दिन हुए, मैंने बोला जी लाइन में लगा पहले तो मैं 1 घंटा अप्रॉक्स, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे, मैंने बोला जी इनका अकाउंट खुलवाना है, इनकी पासबुक दे दो, ये सब इनके डॉक्यूमेंट्स हैं सारी चीज़ें। उन्होंने बोला कि जी प्रिंटर ख़राब है। मैंने कहा व्हाट, प्रिंटर ख़राब है? प्रिंटर ख़राब है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो 1 घंटे से लाइन में लगा हुआ, मुझे क्या पता था प्रिंटर ख़राब है आपका, इतने सारे लोगों की लाइन लगी हुई है। बोला नहीं जी प्रिंटर ख़राब है। आई वॉज साइलेंट। मैंने कहा प्रिंटर ख़राब है? कब से ख़राब है? तो पिछले 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ। वो बोले जी प्रिंटर ख़राब है। मैंने कहा ओके। तो मैं फिर ब्रांच मैनेजर के पास जाने लगा, ब्रांच मैनेजर वॉज नॉट अवेलेबल। उसके बाद जो ब्रांच मैनेजर से नीचे जो होते हैं, एक वो लेडी थी, उनके पास मैं गया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम ये आपके ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो इतने सारे कस्टमर बढ़ चुके हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत लोगों को लाइन लगने लगना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके ऑफिस में 2 महीने से प्रिंटर ख़राब है, वो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है, और अभी मैं अपनी माता जी का अकाउंट खुलाने के लिए आया था तो प्रिंटर ख़राब हो गया। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कब तक ठीक होगा, बोलते हैं नो आइडिया। मैंने तो भेज दिया है, रिक्वेस्ट डाल दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को फर्दर कौन प्रोसेस करता है? वो मैम बोलती हैं कि हम क्या करें, हम प्रिंटर तो ठीक नहीं कर सकते, अब क्या किया जाए इस बारे में। मैंने कहा मैम आपको थोड़ी ना ठीक करना है, आप जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी प्रिंटर ठीक करता है उससे बोलो, वो ठीक करेगा। बोले हाँ हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है। मैंने कहा ओके, कब तक हो जाएगा? जब हो जाएगा तब हो जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप मुझे लिख के दे सकते हो कि आपके प्रिंटर 2 महीने से ख़राब है, आप मुझे इतने लिख के दे दो। बोले नहीं हमारे ये रूल में नहीं है, हम नहीं लिख के दे सकते, ये हमारा इंटरनल मैटर है। मैंने कहा आपका इंटरनल मैटर कैसे हो जाएगा, मैं और मेरी बूढ़ी माता जी इतने दिनों से चक्कर काट रहे हैं, हमारा टाइम एनर्जी सारा वेस्ट हो रहा है, ये हमको जब इम्पैक्ट कर रही है वो चीज़, तो आपका इंटरनल मैटर कैसे होने वाला है, ये भी तो सोचो। बट सी वॉज नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल, सी वॉज यूजिंग द बैड लैंग्वेज, वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बात नहीं कर रही थी। सो मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत बोल के मैं वहाँ से निकल गया। देन आफ्टर आई फिगर्ड आउट दैट पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई आस्क हर कि प्लीज़ कॉल दैट पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द प्रिंटर रिपेयर। देन उन्होंने उस बंदे को बुलाया, उस बंदे से मैंने बात किया, भैया प्रॉब्लम क्या है? अनफॉर्चुनेट मतलब वो फिर उससे मैंने पूछा, मतलब वो थोड़ा जान पहचान का सही था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली बताओ। तो बोलता है सर ऐसा है, यहाँ पे वो डाल दिया है, और जहाँ पे हमारे प्रिंटर ठीक होने गए वो डाला हुआ है, उसके बाद ये उसको प्रॉपर कुछ फॉलोअप नहीं करते, ना पैसे देने के लिए उसको करते हैं कुछ, वो भी अपना आराम से जैसे धीरे धीरे काम करते हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ एट अ ग्राउंड लेवल। मैंने कहा भाई अब एक चीज़ बता दे, कब तक ठीक हो जाएगा, मैं तभी अपनी माता जी को लेके आऊँगा। तो बोलता है जी कोई पता नहीं है, बट एक काम मैं कर सकता हूँ, आप नंबर दे दो, मैं जब भी ठीक हो जाएगा आपको कॉल कर दूँगा। तो फाइनली आफ्टर 3 डेज ऑफ वेटिंग उस बंदे ने मुझे कॉल किया, और तब मैं अपनी माता जी को लेके एक पासबुक प्रिंटिंग के लिए गया, जबकि अकाउंट खुल गया था, अकाउंट नंबर मिल गया था, पैसे डिपॉजिट हो गए थे, सब कुछ हो गया था, बट इट टुक ऑलमोस्ट 11 to 12 days टू गेट दैट पासबुक प्रिंटेड। एंड उसके बाद कोई अपॉलोजी नहीं है किसी तरह का, कोई उन्होंने कंसर्न नहीं शो किया कि ओके सॉरी आपको हमारी वजह से इतनी दिक्कत हुई, हमारे रूल प्रोसेस की वजह से दिक्कत हुई, कोई कोई उनके दिल में कोई वो नहीं है।
दे ट्रीट यू लाइक यूर स्लेव.